लोगों ने अपना रक्तदान किया। मथुरा में विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदाता फाउंडेशन के तत्वाधान में 67वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन श्यामलाल मदनलाल धर्मशाला में किया गया, जिसका शुभारंभ नोडल अधिकारी भूदेव एवं राजकुमार अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप से बिहारी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। डॉक्टर भूदेव ने बताया कि संस्था रक्तदाता फाउंडेशन जिले में सराहनीय कार्य कर रही है। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा ने कहा कि रक्तदान करने से हमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, हमें 3 से 4 माह में अगर एक बार रक्तदान करना चाहिए। शुभम कुशल ने बताया कि शिविर में 80 यूनिट रक्तदान हुआ, जो सद्भावना ब्लड बैंक के माध्यम से आयोजित किया गया था। यतेंद्र फौजदारी और राहुल नवानिया ने सभी रक्तवीरों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संस्थापक अमित गोयल ने अतियों रक्तवीरों का विश्व रक्तदाता दिवस की बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। बताया कि इस कार्यक्रम में हमने HDFC बैंक का सहयोग लिया है। शिविर में अखिल अग्रवाल, प्रांतुल अग्रवाल, सिद्धार्थ, विकास चौधरी, अनिल गोदर, रुचि, अंजलि, आयुषी, रेनू, अखिल, HD उराया, समर श्रीवास्तव, मनोज, गौरव, मोहित, सरवन, अहमद, दीपक, लोकेश, अमित अग्रवाल आदि ने रक्तदान किया। शिविर में मुख्य रूप से सुमित अग्रवाल, सौरभ, सचिन, अभिषेक शर्मा, योगेश गोयल, भानु सारस्वत, अभिषेक, संजीव सारस्वत, डॉक्टर प्रदीप पारासर, बिट्टू रिंकू आदि लोग उपस्थित रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। आज ये रक्तदाता फाउंडेशन के तत्वाधान में 67वां रक्तदान शिविर राया में श्यामलाल मदन धर्मशाला में आयोजित किया गया है, जिसमें रक्तदाता फाउंडेशन का टारगेट लगभग उम्मीद है हमें 70 लोगों के यहाँ डोनेशन होना चाहिए और अब तक लगभग 20 से ज़्यादा डोनेशन हो भी चुके हैं। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ रक्तवीर मौजूद हैं और रक्तदाता फाउंडेशन पिछले लगातार 5 सालों से मथुरा जिले में रक्त की कमी के लिए प्रयास कर रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि रक्त की कमी से किसी को कोई परेशानी ना हो और उसको कोई दिक्कत नहीं। रक्तदान करने वालों को बस यही कहा जाएगा कि आपका रक्तदान सिर्फ आपका रक्त का दान नहीं बल्कि किसी बिगड़ते परिवार के लिए खुशियों का दान है, इसलिए रक्तदान हमेशा करना चाहिए। मथुरा के गोवर्धन इलाके में खोखे से